वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकाई दो, कबीर की साखियां। पेपर है आपका विशेष अध्ययन, एक प्रमुख साहित्यकार कबीर, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है बेटे, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का। सिलेबस में इसके हम लोग कबीर का साहित्यिक परिचय पहले पार्ट पढ़ चुके हैं। दूसरा वीडियो हमारा था संत काव्य की विशेषताएं, जो हम कर चुके हैं। इसके बाद आज हम कर रहे हैं इकाई दो, जिसका नाम है कबीर की साखियां। इसके बाद तीसरी इकाई आपकी सिलेबस में है नहीं, चौथी इकाई में आपके फिर से चार पार्ट हैं, कबीर की दार्शनिकता और भक्ति भावना, दूसरा पार्ट है कबीर की सामाजिक चेतना, तीसरा है कबीर की भाषा और चौथा है कबीर की रहस्य भावना। तो आज हम दूसरी इकाई का जो एक ही पार्ट है, अकेला पार्ट है, नाम है कबीर की साखियां, इसे पढ़ रहे हैं बेटा। ये बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 का पेपर है, विशेष अध्ययन, एक प्रमुख साहित्यकार कबीर। सीबीसीएस वाला सिलेबस है बेटा, ये एनईपी वाला नहीं है, सीबीसीएस वाला सिलेबस है ये। तो आपको बेटा पता होगा कि जो गुरुदेव की जो ये कबीर की साखियां जो है, ये इन्होंने जो लिखी है सारी की सारी कबीर ग्रंथावली से, आपकी सारी की सारी जितनी भी साखियां ली गई है सिलेबस में, सारी की सारी साखियां कबीर ग्रंथावली से ली गई है बेटा, सारी की सारी। इसी में अलग अलग अंग हैं, जैसे कि आप कह देते हैं अलग अलग खंड हैं कबीर ग्रंथावली में, या जिसे कह सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स हैं जहां से ये ली गई हैं। किसी पार्ट से आपकी दो साखियां ली गई हैं, किसी से तीन साखियां ली गई हैं, किसी से चार ली गई हैं, इस तरीके से ली गई हैं बेटे। तो उन्हीं को हमने करना है बेटा आज। तो सबसे पहला है आपका गुरुदेव को अंग, जहां पर वो गुरु की महिमा गाते हैं कबीरदास जी, वहां से जो साखियां ली गई हैं गुरुदेव को अंग से, उन सभी में वो अपने गुरु की महिमा बताते हैं, ईश्वर की महिमा और कृपा का वर्णन करते हैं कि ईश्वर की किस प्रकार से महिमा है और कैसे कृपा हुई है, और ईश्वर की कृपा से ही मेरे जीवन के सभी काम संपन्न हो रहे हैं, ऐसा ईश्वर से एक तरीके से धन्यवाद कहते हुए कबीरदास कहते हैं। आगे वो कहते हैं संगने कि उस प्रभु ने मेरे मार्ग को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार से उपकार तो किए ही है, साथ में साहित्य सत्य का दिशा दर्शन भी किया, मतलब मुझे सत्य की दिशा भी दिखाई है। ये गुरुदेव का अंग जो उनका भाग है कबीर ग्रंथावली में, उसने जितने भी दोहे हैं उनका सार है एक तरीके से बेटा, जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे वो कहते हैं मार्ग में आए कठोर और जटिल संघर्ष से मुझे गुरु ने बाहर निकाला है, और इसलिए मेरी नजर में जो सदगुरु है वो सच्चा नायक है, सच्चा योद्धा है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही मुझे आत्मज्ञान और विश्वास की प्राप्ति हुई है, और गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है जिससे चलने से मैं सफल और समर्थ बन पाया। ये जो उनका जो कबीर ग्रंथावली है उसमें जो उन्होंने पाठ लिखा है, खंड है गुरुदेव को अंग, उसकी समरी है एक तरीके से बेटा, ये उसका सार है, जहां उन्होंने ईश्वर की महिमा का कृपा का वर्णन किया है, साथ में कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही मेरे सारे के सारे काम संपन्न हो रहे हैं, उसी ईश्वर ने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि मुझे सारे के सारे मेरे काम भी संपन्न हो रहे हैं, और मुझे सत्य का दर्शन भी कराया, सच्चे मार्ग का भी दर्शन मुझे कराया है। साथ में आगे वो कहते हैं कि मेरे रास्ते में जितनी भी समस्याएं आई, जितने भी मेरे सामने संघर्ष आए, उनसे मुझे मेरे गुरु ने बचाया है, मेरे गुरु ने उनमें से मुझे बाहर निकाला है, इसलिए मेरा जो सदगुरु है, मेरा जो गुरु है, वो मेरी नजर में एक सच्चा नायक है, सच्चा मेरा योद्धा है। यहाँ तक कि वो आगे ये भी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे जो रास्ता दिखाया है, इसके कारण मेरा जो गुरु है मेरे लिए वो ईश्वर से भी बढ़कर है। तो गुरु ने जो उनको ज्ञान दिया है, उसके कारण ही वो कहते हैं कि मुझे एक तरीके से आत्मज्ञान मिला है, मुझे विश्वास मिला है उसी की वजह से, और गुरु ने मुझे सच्चा मार्ग बताया, इसी कारण मैं सच्चे मार्ग पर चलने में सफल हो पाया हूँ, अपने आप को समर्थ बना पाया हूँ। ये इनका गुरुदेव के अंग जो एक तरीके से जो पाठ है कबीर की साखियां जो है, जिसमें से ली गई है कबीर ग्रंथावली में से, उसमें से पहला जो पाठ है आपका जो हमने लिया है वो है गुरुदेव को अंग, उसकी समरी बेटा ये है। इसकी साखियां क्या है, मतलब जितनी भी साखियां हैं उनका सार ये है बेटा, सारी की सारी साखियां ही हैं अब कबीर की गुरुदेव को अंग में, जो कि कबीर ग्रंथावली का पार्ट है, तो उन सबका एक तरीके से सार ये है। अब जो साखियां आपको दी गई हैं सिलेबस में, उनको मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ। तो पहली साखी में वो कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावना, यानी कि यहाँ पर सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु मेरा, महिमा अनंत मतलब उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी महिमा असीम है, अनंत किया उपकार, उपकार यानी कि उपकार, लोचन यानी कि आंखें नेत्र उघाड़िया मतलब खोल दी हैं, अनंत दिखावन है और मुझे वही दिखाने वाले हैं, वही मुझे सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो इसका जो संदर्भ और प्रसंग है वो आप हर जगह यही लिखोगे कि कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं ये, और गुरु की महिमा है तो ये गुरुदेव को अंग से ली गई है,
तो आप इसका जो संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे वो अच्छी तरीके से लिखेंगे। बिगटा के उपर्युक्त साखी या प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली में संकलित है और गुरुदेव कौन से ली गई है, और इस साखी में कबीर ने सदगुरु की कृपा, उनकी महिमा और उनके किए गए उपकारों के विषय में बताया है। वो कहते हैं कि मेरे सदगुरु की महिमा अनंत है, उनकी महिमा अपरंपार है, उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है, उन्होंने ही मेरी आंखें खोली हैं और वही मुझे इस अनंत संसार को दिखाने वाले हैं, उन्होंने ही मुझे ये सारा का सारा संसार दिखाया है, उन्होंने ही मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। तो इसमें विशेष बात क्या है कि गुरु की कृपा का उन्होंने गुणगान किया है और अनंत अनंत का उन्होंने यमक जो है क्या है कि अलंकार का इस्तेमाल किया है और सदुक्कड़ी भाषा है यहाँ पर बेटा। दूसरा जो उन्होंने दूसरी साखी ली है वो है सदगुरु सावा सूर्य सवस्व ब्रह्मा एक लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेद। तो साचा सूर्यवा मतलब सच्चा सूरमा, सच्चा सूरवीर, ने मतलब अहंकार, छेक मतलब निपुण एक्सपर्ट। तो ये जो साखी है ये भी गुरुदेव को अंग से ही ली गई है। तो संदर्भ और प्रसंग आप बेटा इसी तरीके से लेंगे कि प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई है। इस साखी में कबीर कहते हैं कि जो गुरु होता है वही शिष्य को सच्चा ज्ञान देता है। यहाँ पर भी उन्होंने गुरु की कृपा का ही वर्णन किया है। क्या कहते हैं, सदगुरु साचा सूर्यवा, यानी कि जो सदगुरु है वही सच्चा सूरवीर है, समझ जो ब्रह्म एक, और जिसने कि बताया कि ब्रह्म जो है वो एक ही है और लागत ही में मिल गया और उसी में मेरा मन लग गया, उसी में मिल गया और पड़ा कलेजे छेक, और उसके बाद मेरे मन में एक निपुणता आ गई, मेरे मन में एक संतुष्टि आ गई। तो यहाँ पर भी उन्होंने गुरु की कृपा का वर्णन किया है कि मेरा जो गुरु है वो सच्चा सूरवीर है, जिसने कि बताया कि मेरा जो ब्रह्म जैसे कि जो ब्रह्म है वो एक ही है, ईश्वर एक ही है, उससे उसके जैसे ही मैं मिला मैं उसमें ही मिल गया और इससे मेरे मन में संतुष्टि हुई, मेरे मन में निपुणता आ गई, मैं ज्ञानी बन गया। यहाँ पर बेटा सांग रूपक अलंकार है। अगला है पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ, यानी कि पीछे लागा जाए था। यहाँ पर भी बेटा संदर्भ और प्रसंग, जाए था का मतलब जाता था, दीपक यानी कि ज्ञान का प्रकाश, लोक वेद यानी कि दुनिया की जो लौकिक और वैदिक परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, उनके साथ साथ में चला चला जा रहा था। संदर्भ और प्रसंग इसी तरीके से लिखोगे बेटा कि प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई है। इस साखी में कबीर ने बताया है कि संसार में जीव माया और मोह में फंसकर इंसान भटकता रहता है, जिसके कारण उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त नहीं हो पाता है। तो कहते हैं कि मैं तो जो लोक वेद थे, दुनिया के जो रीति रिवाज थे, दुनिया के जो लोकाचार थे, उनके साथ ही उनके पीछे पीछे लगा हुआ चला जा रहा था, आगे मुझे सदगुरु मिल गए और उन्होंने मेरे हाथ में दिया रख दिया, यानी कि उन्होंने मुझे प्रकाश दिखा दिया, ज्ञान का प्रकाश मेरे हाथ पर रख दिया, मुझे ज्ञान का प्रकाश दे दिया। यहाँ पर मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है बेटा, जिसे वो सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। यहाँ भी सांग रूपक अलंकार है। दीपक दिया हाथ में लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बेटा शब्द शक्तियां बेटा आपने देखा होगा तीन होती हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है दिया हाथ में रखा का मतलब हो गया कि भाई उन्होंने हाथ पर उनके दीपक रख दिया। दीपक दिया हाथ का मतलब यहाँ पर लक्षणा में हो गया कि उनके हाथ पर ज्ञान रख दिया, ज्ञान का दीपक दिया। और व्यंजना में होगा कि दीपक हाथ पर रख दिया, यानी कि उनको एक तरीके से उल्टा हाथ निकलता है, एक तरीके से कि दीपक दिया हाथ यानी कि मेरे सामने का रात जो रास्ता वो अंधेरा कर दिया। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सिंबॉलिक वे में वो कह रहे हैं कि दीपक मेरे हाथ पर रख दिया, यानी कि मेरे आगे का रास्ता जो है उसमें उजाला कर दिया, यानी कि मुझे ज्ञान का मार्ग दिखा दिया। तो ये था आपका गुरुदेव को अंग, जो कि कबीर ग्रंथावली का ही भाग था। दूसरा पार्ट है बेटा सुमिरन को अंग, यानी कि जो कहते हैं कि ईश्वर को सुमिरन करो, ईश्वर का नाम लो, ईश्वर के नाम को जपो। इस जिस भाग में वो कहते हैं उसे कहा जाता है सुमिरन को अंग, यानी कि बेटा कबीर ग्रंथावली में जो पार्ट है जिसमें वो सुमिरन को अंग कहा गया, उसमें वो ईश्वर का नाम जपने की महिमा बताई गई है। तो इसकी समरी क्या है, इसका सार क्या है, वो कहते हैं इसमें सुमिरन को अंग में सच्ची भक्ति का स्वरूप बताया गया है और भक्त भक्ति के द्वारा ही प्रभु को पा सकता है ऐसा कहा गया है, और मनसा वचना, जो मनसा वचना कर्मणा जो कहते हैं एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करते रहते हैं। सुमिरन का अंग जो है मन वचन और कर्म व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करते रहते हैं। इसका मन कहता है कि सही मार्ग पर चलो, उसकी बातें कहती हैं सही मार्ग पर चलो, उसके काम कहते हैं कि सही मार्ग पर चलो। तो प्रभु का स्मरण यानी कि प्रभु को याद करना ही, ईश्वर को याद करना ही मुक्ति का अंतिम द्वार है, ऐसा कबीर ने सुमिरन को अंग में बताया है बेटा। और वो कहते हैं कि भक्त को चारों ओर केवल प्रभु ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका निरंतर स्मरण करने से ही उसमें एकाकार हो जाता है, यानी कि उसको हमेशा हर जगह
ईश्वर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब वो ईश्वर का नाम जपता रहता है, हमेशा ईश्वर के नाम का सुमिरन करता रहता है, तो उसे हर तरफ ईश्वर ही दिखाई देते रहते हैं और वो इस तरीके से ईश्वर में ही समा जाता है, यानी कि आत्मा में ही जो है वो परमात्मा में मिल जाती है। वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम लगातार लेने से मेरे भीतर जितनी भी मनोग्रंथियां थी वो समाप्त हो गई। अब पढ़ेंगे हम इस बाब की जो इस भाग में जो साखियां आती है, उनमें से दो तीन साखियां आपके सिलेबस में दी गई उन्हें पढ़ेंगे बेटा। पहली कही है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिखा सार। यानी कि भगति भजन, यानी कि भक्ति और भजन जो है वो हरि की नाव है। एक तरीके से भक्ति भजन जो है वो हरि के लिए नाव है, उससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दूजा दुख अपार, बाकी सब दुख तो अपार है, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिखा सार। यानी कि कबीर कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से केवल ईश्वर को ही याद करना है, यही टोटल सार है, यही भक्ति का सार है। तो इसमें भी संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा बेटा की प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली में संकलित सुमिरन को अंक से ली गई है। इस साखी में कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति का एक ही सहारा बताया है कि भक्ति भजन को ही माना है और इसी का वर्णन किया है। तो व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले भक्ति भजन के द्वारा ही उन्हें पाया जा सकता है, और वो कहते हैं कि भक्ति करके ही प्रभु को पाया जा सकता है, नहीं तो इन संसार में जितने भी माध्यम हैं वो सभी के सभी किसी न किसी रूप में दुख देते हैं, क्योंकि जो कोई भी तरीका है जिससे आप ईश्वर को पाना चाहते हैं उसमें आपको ईश्वर मिलेगा नहीं, उससे आपको दुख होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने मन से, अपनी बातों से, अपने कर्म से कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, और सच्चे मन से जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसी का मुक्ति का अंतिम द्वार खुलता है। तो यहाँ भगति भजन में बेटा देखिए भ की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। आगे वो कहते हैं कि कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। अगला कहते हैं, अगली साखी है, तू तो करता तू भया, मुझ में रही बारी, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित ना। तो इसमें है बारी आगम, मतलब बारी का मतलब आना जाना, फेरी मतलब समाप्त खत्म हो गया, बली गई मतलब कि एक तरीके से बलि देना, और जित का मतलब जीत है। तो इस जो एक आपकी जो साखी है इसमें कबीर ग्रंथावली में संकलित है, सुमिरन को अंक से ली गई है ये। और इस साखी में कबीर ने ईश्वर के नाम का संकीर्तन की जो महिमा गाई है कि ईश्वर का नाम रटते रटते स्मरण करते करते ही मैं उसमें एकाकार हो गया हूँ, ईश्वर में शामिल हो गया हूँ। वो कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपका नाम करते करते रटते रटते आपके जैसा ही हो गया हूँ। यानी कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर जीव बार बार ईश्वर का नाम लेता है तो उसी में खो जाता है, ईश्वर में ही एकाकार हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपका नाम रटते रटते आप में ही खो गया हूँ। तो ऐसे जीव में अहम की भावना समाप्त हो जाती है, उसके अंदर से मैं खत्म हो जाता है और जीव पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित हो जाता है, वो जहां भी देखता है उसे ईश्वर ही नजर आते हैं। तो तू तू में अनुप्रास अलंकार है, ईश्वर की भक्ति का गुणगान किया गया है और सरल सहज स्पष्ट भाषा है इसमें। अगली साखी है, कबीर चित्त चमन किया, चौ दिस लागी जाए, हरि सुमिरन हाथों पड़ा, बेगे ले हो बुझाए। मन का मतलब है, चित्त का मतलब है मन, चमन किया मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, चौ दिस मतलब चारों तरफ, लाए का मतलब आग, सुमिरन का मतलब स्मरण। तो कहते हैं कि हे जो है कबीर का मन हैरान है कि चारों तरफ आग लगी पड़ी है और हम हरि का सुमिरन पास में मिल गया है, हाथ लग गया है, उसी से सारी की सारी आग में बुझा लूंगा। तो ये संदर्भ और प्रसंग अगर आप लिखेंगे तो आप फिर से यही लिखेंगे कि उपर्युक्त साखी जो है ये कबीर ग्रंथावली के भाग सुमिरन को अंक से ली गई है। इस साखी में कबीर ने भक्ति के महत्व का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जगत में चारों तरफ तरह तरह की आग लगी हुई है, उसको देख करके मेरा मन आश्चर्यचकित है, मैं हैरान हूँ और उससे बचने के मैं उपाय सोचता हूँ कि तभी मुझे पता चलता है कि मेरे हाथों में तो ईश्वर की याद करने का ही एक तरीके से मेरे हाथ में ईश्वर का नाम है, ईश्वर का जो है हरि सुमिरन मेरे हाथ लगा हुआ है, उसी से मैं सारी की सारी आग को बुझा लूंगा, यानी कि मेरी जितनी भी चिंताएं हैं उन सबसे मैं ईश्वर के नाम से मुक्ति पा लूंगा। तो चित्त में चमन किया और लागी लाई में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल है, मिश्रित शब्दावली है और हरि सुमिरन हाथों बड़ा में रूपक अलंकार है। आगे है विरह को अंग, तीसरा अंग आ गया है बेटा, तीसरा खंड आ गया। पहला हमने पढ़ा था जो है आपका गुरु की महिमा, दूसरा पढ़ा था हमने सुमिरन, तीसरा है विरह को अंग, जिसमें कि वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो परमात्मा है और जो जीव है वो आत्मा है, तो आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है, तो विरह में जलती होती है,
उसी की एक तरीके से इस भाग में उन्होंने चर्चा की है। इसमें विरह की महत्ता बताई गई है। उन्होंने कहा है कि सच्चे प्रेम में ही विरह का मर्म छिपा होता है, यानी कि सच्चा प्रेम जहाँ होता है वहां प्रेम ही जो होता है वो जो जीव जो होता है वो परमात्मा से दूर रहकर बेचैन रहता है। तो प्रेम में कोई भी दवा या मंत्र काम नहीं आता है, केवल प्रेमी का साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी तरीके से भक्त अपने प्रभु से बिछड़ जाता है तो वियोग की अग्नि में जलता रहता है। जब उसे प्रभु मिल जाते हैं तभी उसको एक तरीके से तसल्ली होती है, तभी उसको शांति होती है। तो प्रभु का वो कागज जो है जो साखी है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु का नाम रटते रटते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गई हैं और संसार में जीव का उद्धार राम रूपी जो राम नाम की जो नाव है उसी से पार हो पाएगा और व्यक्ति के सभी काम ईश्वर की शरण में जाकर के ही पूरे होंगे। तो पहला जो है वो कहते हैं, पहली साखी जो है वो कहते हैं कबीरदास जी, विरह भूगंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तब बोरा हो। विरह भूगंगम, भूगम मतलब सांप, तन बसे तन में बसा हुआ, विरह मतलब दूरी, मंत्र न लागे कोई, यानी कि वो कहते हैं विरह का सांप तन में शरीर में बसा हुआ है तो कोई मंत्र काम नहीं करेगा और राम वियोगी जीता नहीं, राम से बिछड़ा हुआ व्यक्ति जीता नहीं है और अगर जीता भी है तो पागल हो जाता है, बौरा हो जाता है। तो ये साखी जो है ये भी कबीर ग्रंथावली में जो विरह को अंक जो है एक भाग है वहां से ली गई है। इसमें प्रभु के विरह में पीड़ित भक्त जो है वो किस तरीके से अपने बारे में बता रहा है उसकी चर्चा की गई है। बेटा विरह भूगम में रूपक अलंकार है, यानी कि विरह रूपी सांप है ना, तो इसको आपने समझ लिया होगा बेटे। अगला है विरह में पीड़ित प्रेम और भक्त की मार्मिक वेदना है यहाँ पर। अगला है, अगली साखी है, अंगड़िया आई पड़ी पंथ निहार रजहार, जी पड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। वो कहते हैं अंगड़िया यानी कि आंखें आई पड़ी हैं, पंथ निहार रजहार यानी कि आंखें जो है मेरी आ गई हैं, आंखें आ जाना होता है एक तरीके से आपने देखा होगा जो आई फ्लू को भी आंखें आ जाना कहते हैं कि मेरी आंखें जो है थक गई हैं, पंथ निहार निहार करके मेरी आंखें थक गई हैं और मेरे जीभ पर राम राम पुकार पुकार करके छाले पड़ गए हैं। यहाँ पर विरह को अंग से ली गई है कि कबीर मुझे कहते हैं कि मुझे प्रभु मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, उनकी राह देखते देखते मेरी आंखें जो है वो दुखने लगी हैं और उनका नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका जो साखी है इसमें पुकारी पुकार में और निहारी निहारी में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है और सधुकड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। चौथा अंग है आपका चेतावनी को अंग, जिसमें कबीरदास जी चेतावनी देते हैं कि आपको ईश्वर को प्राप्ति के लिए किस तरीके से सुमिरन करना चाहिए और समाज में जो भी जाति पाति वगैरह फैली हुई है उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो चेतावनी को अंग में संसार में फैली विषमताओं के बारे में बताया गया है, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनकी चर्चा की गई है। तो मनुष्य को कहते हैं कि सभी विषयों का ज्ञान नहीं है और कभी कभी वो अपनी अज्ञानता की वजह से अंधकार में धंसता हुआ चला जाता है। ये बेटा चेतावनी को अंग का प्रतिपाद्य यानी कि जो खंड है कबीर ग्रंथावली में चेतावनी को अंग उसकी समरी है बेटा। इसमें वो कहते हैं उसको अपनी सूझबूझ के आधार पर इन आकर्षणों से दूर रहना चाहिए जो कि समाज में उसको अपनी वो चीजें आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं, उनसे बचना चाहिए और खुद पर ही विश्वास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना ज्ञान नहीं खोना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन जीता है, इसलिए कर्म ही व्यक्ति का मार्ग सुगम और दुर्गम बनाते हैं, इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। आगे वो कहते हैं पूर्ण लक्ष्य और विश्वास के साथ अपना काम करते हुए अपने पद को साफ और सुंदर बनाना चाहिए, किसी भी स्थिति में मनोबल नहीं टूटने देना चाहिए। तो साखियां जो यहाँ से आपके लिए ली गई हो हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सेबल फूल दिन दस के त्योहार को झूठे रागिना फूलों कहते हैं। यह यह का मतलब यह है, सेबल फूल मतलब कि सेबल का फूल, त्योहार मतलब कि संसार के व्यवहार में, यानी कि इसका जो एक तरीके से जो एक फिर से आप संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि उपयुक्त प्रस्तुत साखी जो है कबीर ग्रंथावली के चेतावनी को नामक भाग से ली गई है। इसमें कबीर दास जी ने वो संसार को भूल भुलैया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो ये है कि कहते हैं कबीर दास जी कि ये संसार तो ऐसा है कि जैसे कोई सेमल का फूल होता है, सेमल का फूल बेटा बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तो कहते हैं 10 दिन के त्योहार की वजह से अपने इस तरह के जो झूठा जो है यहाँ पर इनके चक्करों में तुम अपने ईश्वर को ना भूलें, किसी भी तरीके से आपको ईश्वर को याद रखना है, यानी कि यहाँ के अज्ञान में घूम करके आप ईश्वर को मत भूल जाना। भाषा तो दुक्कड़ी है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। अगला है जामन मरण विचार करे कूड़े काय निवार, जिन पंथु तुम चाल खां साई पंथ संवारे। जामन का मतलब जन्म, पंथु का मतलब पंथ, चालखा मतलब चलना है, संवरणी का मतलब सेवारण। इस ग्रंथावली में
जो है कबीर ग्रंथावली में जो साखी है इसे चेतावनी को अंग से लिया गया है, जहां पर वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर विचार करके ही सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। कहते हैं जन्म मरण विचार करें, जन्म मरण का विचार करके, यानी कि बार बार जन्म होगा मरण होगा, इस चीज को समझ करके कूड़े काय निवार, अपने शरीर में से कूड़े काय, कूड़े को निकाल दीजिए, यानी कि जितनी भी गलत आदतें हैं उनको निकाल देना चाहिए। जिन पंथ तुम चालखा साई पंथ सवार, तुम उसी पंथ पर चलो जो कि ईश्वर ने संवारा हुआ है, यानी कि जिस पंथ पर तुम्हें चलना है उसको ही संवारो, ईश्वर के पथ को ही अपने को साफ सुथरा रखो, उसी मार्ग पर चलो, यानी कि जो अपना पंथ है सही मार्ग पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। यहाँ पर कर्म रूपी मार्ग को उन्होंने सुंदर सरल और सहज बनाया है, वो कहते हैं, और मिश्र शब्दावली का यहाँ पर इस्तेमाल है बेटा। आगे है साथ साक्षी भूत को अंग का प्रतिवाद है यहाँ पर बेटा। साध साक्षी भूत को अंग में व्यक्ति के व्यवहार को सर्वप्रथम रूप में दर्शाया गया है, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहाँ पर ये बताया है कबीरदास जी ने। व्यक्ति अपनी समस्या समय और वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाता है, यानी कि व्यक्ति समय के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से अपने व्यवहार में लगातार परिवर्तन लाता है। लेकिन सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है और ना ही अपनी प्रवृत्ति को बदलते हैं, वो अपने सच्चे रूप के द्वारा अपने वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उनके मार्ग में चाहे कितनी ही कष्ट आए, कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन वो अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते, शीतलता नहीं छोड़ते हैं, विनम्र बने रहते हैं। तो साखी है, संत न छाड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तल शीतलता न तजंत। यानी को कहते हैं संत न छाड़े, छाड़े का मतलब छोड़ता है, संतई मतलब अच्छे व्यवहार को, कोटिक का मतलब करोड़ों, असंत मिले करोड़ों दुर्जन लोग मिले, चंदन भुवंगा, भुवंगा मतलब सांप, तल शीतलता न त्यजन्ते, यानी कि तब भी शीतलता का त्याग नहीं करते हैं। कहते हैं कि संत लोग जो होते हैं वो संतई का त्याग नहीं करते हैं, चाहे कितने ही असंत लोग उनको मिल जाएं, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितने ही दुर्जन लोगों ने मिलते नहीं। जिस तरीके से कोई सांप जो होता है, अगर वो चंदन के पास बैठ भी जाए, चंदन के पेड़ पर बैठ भी जाए, तो भी चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है। तो यहाँ पर भी आपकी मिश्रित शब्दावली है, सज्जन पुरुषों के गुणों का चित्रण किया गया है, चंदन की महत्ता बताई गई है। अगला है उपदेश को अंग का प्रतिपाद, यहाँ पर कबीर दास जी उपदेश दे रहे हैं, वाणी के महत्व की ओर संकेत करते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए। व्यक्ति अपनी वाणी के आधार पर ही किसी का प्रिय और अप्रिय बन सकता है, ये कहते हैं वो, और वाणी के मधुर होने पर संबंध, समाज, प्रेम और अन्य रूप में सुखद अनुभूति मिलती है। यानी कि व्यक्ति की अगर वाणी अच्छी है, मतलब उसका बोलना चालना अच्छा है, तो सुखी रह सकता है। लेकिन कड़वे वचनों के आधार पर संबंध टूट जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। तो साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तल शीतल करे औरन को सुखोए। यानी कि कबीरदास जी की ये जो साखी है, इसके लिए भी आप वही प्रसंग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली के उपदेश कोंग से ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने मीठी वाणी की महत्ता बताई है। वो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले का आपा खो जाए, मतलब कि मन, किसी के मन का अहम खो जाए, खत्म हो जाए, और जो अपने तन को भी शीतल करे और औरों को भी सुखी करे। वाणी हमेशा मधुर बोलनी चाहिए। तो ये है वाणी के महत्व का दर्शाया गया है यहाँ पर, और साथ में वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है, सदुक कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी की सारी साखियां बेटा आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं और अलग अलग अंक से शामिल की गई हैं। कौन से अंक की कौन सी साखी है ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, साथ में व्याख्या याद करनी पड़ेगी, इसकी विशेषताएं क्या है वो सब आपको याद रखनी पड़ेंगी, और साथ में प्रत्येक अंग का प्रतिपाद्य भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि गुरुदेव को अंग का हमने प्रतिपाद्य पढ़ा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा सुमिरन को अंग का प्रतिपाद्य पढ़ा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा, देखिए, विरह को अंग का प्रतिपाद्य पढ़ा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था चेतावनी को अंग का प्रतिपाद्य, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था साध साक्षी भूत को अंग का प्रतिपाद्य पढ़ा था, इसके बाद उपदेश को अंग का हमने प्रतिपाद्य पढ़ा था। तो टोटल 6 अंग हमने पढ़े हैं इस पाठ में, पूरे के पूरे इस वीडियो में। इन सभी का बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, साथ में व्याख्या आपको स्पष्ट होनी चाहिए, साथ में प्रसंग संदर्भ लिखना आपको आना चाहिए, ये सब कुछ आपका होना चाहिए। क्योंकि आपकी व्याख्या भी आ सकती है, प्रतिपाद्य भी आ सकता है, कोई ना कोई साखी लिखने के लिए भी आ सकती है, तो आपको उसी तरीके से बेटे परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो आज जो हमने पढ़ा ये था सेमेस्टर 6 का कबीर पर पाठ था आपका, ये कबीर दास जी का था, 6 सेमेस्टर CBSE सिलेबस का था बेटे, जो कि सेमेस्टर सिस्टम चल रहे हैं 6 सेमेस्टर का था, विशेष अध्ययन एक प्रमुख साहित्यकार कबीर, जो कि BA प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है बेटे। तो आई होप कि आपको सारी की सारी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी व्याख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए,
आपकी परीक्षाओं के लिए बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।